नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह बीट स्वागत करता हूं आपका अपने एएसबी ब्लॉग पर। और इस वक्त हूं मैं कोसी बैराज पर खड़ा। ये देखिए मेरे पीछे कोसी नदी है और हम लोग जा रहे हैं रामनगर गर्जिया मंदिर। तो गर्जिया मंदिर होकर आते हैं। मम्मी लोग गए थोड़ा नीचे नदी में नारियल विसर्जन करने के लिए और मेरी छोटी बहन और गीता वहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं G20 के वहाँ पर। तो चलो मैं भी वहीं पर चलता हूँ। तो चलो G20 के पास में चलते हैं। गाड़ी भी बहुत तेज आ रही है इधर। ऊपर से भी गाड़ियाँ आ रही है और यहाँ पर खूबसूरत वेलकम G20 लिखा हुआ है। ये देखो ये लोग की फोटोग्राफी हो रही है। ये तो मैंने मुन्ना बोला था, जिया है ये तो ये जिया है और साथ में उसकी मम्मी गीता है। दूर से मैंने देखा ये लोग को एक जैसे ही दिख रहे हैं सारे। हाँ, सबने रेड पहने हैं क्या? इसीलिए। चलो तो यहाँ पर ये लोग फोटो खींचने देते हैं। मैं आपको तब तक और कोसी बैराज का दृश्य दिखाता हूँ। ये देखो कितना ब्यूटीफुल सीनरी है यहाँ पर। और लोग भी रुक के फोटो वोटो खींच रहे हैं और ठंडी हवा भी चल रही है क्योंकि नीचे कोसी नदी बह रही है और नीचे लॉन टाइप का बना रखा है, पार्क टाइप का। यहाँ ऊपर भी है देखो, सुबह एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए अच्छा बना रखा है यहाँ पर। ये ठीक है नदी किनारे, सुबह अपना रनिंग वनिंग करके आए तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और बैठने के लिए कुर्सी वर्सी सब कुछ लगा रखा है, लॉन बना रखा है। अभी तो बंद है, ताला लगा रखा है तो अंदर तो जा नहीं सकते हैं। उस तरफ भी एक है, उसमें खूब सारे फूल अच्छे अच्छे हो रहे हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी तो यहाँ पर बड़ा सा एक ताला लगा रखा है तो आपको बाहर से दिखाता हूँ मैं। नीचे है कोसी नदी। तो अभी पहुंच गया हूँ पुल पर। ये देखिए कोसी बैराज काफी शानदार लग रहा है। यहाँ से बड़ी गाड़ियां नहीं जाती यहाँ पर, केवल छोटी गाड़ियों का ही आना जाना। तो बीच में नहीं जाएंगे क्योंकि गाड़ियां भी आ जा रही है, तो यहीं से देखते हैं थोड़ा। ये देखिए नीचे नदी बह रही है और इस ओर को देखो, और पानी भी यहाँ साफ है। बरसात के टाइम पे तो काफी मटमेला पानी हो जाता है। चलिए फिर आप चलते हैं आगे। अब यहाँ से निकलते हैं गर्जिया माता मंदिर के लिए। तो मम्मी लोग भी पहुंच गए नीचे, नारियल को बहा के दौड़ के आ रही है। क्यों दौड़ के आ रही है? गर्मी लग गई, लो पानी पियो। तो दोस्तों ये देखिए अभी यहाँ पर हम लोग हैं डिग्री कॉलेज के पास में रामनगर में। तो यहाँ पर देखो कितनी अच्छी पेंटिंग कर रखी है, बहुत अच्छे अच्छे आर्ट वर्क करके हैं। तो मैं आपको ये फोटो के माध्यम से दिखाता हूँ। चलिए
फ्रेंड्स यहाँ तक आपने फोटो में देख लिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ से आगे मैं वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ आपको। तो ये आ गया कॉलेज का गेट। धूप बहुत तेज हो रही है। चलो पूरे पोस्टर में ही उत्तराखंड के दर्शन हो गए हैं। आज बंद है लग रहा है। गाय भी पढ़ने के लिए आ रखी है क्या? गाय को नहीं पता आज ऑफ है बोल के, संडे है। That's all. इतनी सारी पेंटिंग कर रखी थी इन्होंने। थक गए लगता है ये लोग इंतजार करते करते। जाए तो आगे बैठा हुआ है, क्या हुआ थक गए? तो फोटो और वीडियोस ले लिए यहाँ पर, और मम्मी जी भी इंतजार कर रहे, लगता है थक गए मम्मी जी। थक गए क्या मम्मी? जाए तो वहाँ पे रेस्ट कर रहा पीछे, सबसे ज्यादा थकावट जाए को होता है। तो चलो चलते हैं अभी, अभी और भी रुकेंगे रास्ते में कहीं कहीं। आज हमारा मकसद वीडियो बनाना और आप लोगों को गठिया घुमाना है। पहुंच गए हम लोग गर्जिया, लेकिन आज बहुत पहले पार्किंग लगा दी हम लोग ने ठीक गेट के सामने। गाड़ियों पीछे खड़ी है ट्रक के साथ साथ, और साथ में ये जिया, तो यहाँ पे पार्किंग अभी बना दिया इन्होंने। ये देखो नया पार्किंग का, ये देखो गेट पे ही रोक दे रहे हैं। यहाँ पे ये गेट है, गेट के पास ही रोक दे रहे हैं। यहाँ से पैदल पैदल अभी अंदर बहुत है। तो ये लोग चले आगे आगे, हम चले पीछे पीछे, और हमसे पीछे और आ रहे हैं। ये देखो जय और उसकी दादी, ये लोग को गर्म लग रहा है जबकि इतनी ठंडी हवा चल रही है। तो सामने है मेन रोड और वहाँ से अंदर को मुड़ते हैं, और यहाँ पर है प्रवेश द्वार। अभी तो गाड़ियाँ अंदर जाने दे रहे हैं, हमारे टाइम पे गाड़ियाँ उधर लगा दी हम लोग ने इस वाली पार्किंग में। तो हम लोग रुके यहाँ पर छोटा सा एक ब्रेक के लिए, यहाँ पे भैया से गन्ने का जूस ले रहे हैं हम लोग। जय और गीता तो आगे चले गए हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर गन्ने का जूस पी लेते हैं। पैदल आए एक किलोमीटर से थक गए, एक किलोमीटर पीछे गाड़ियाँ खड़ी कर दी। अच्छा कि अंदर नहीं लाए अंदर, क्योंकि जगह भी नहीं है, बहुत सारी भीड़ है, आदमियों को चलने की दिक्कत हो रही है गाड़ियों की वजह से। तो फ्रेंड्स हम लोग ने गन्ने का जूस कैंसिल कर दिया है, अभी यहाँ पर हम लोग सिकंजी पी रहे हैं नींबू पानी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रहा था।
तो फ्रेंड्स अभी दोनों साइड में प्रसाद की दुकान है, यहाँ से प्रसाद और दूसरी काम की चीजें ले सकते हो, घंटी वगैरह है, बच्चों के खेलने की चीजें भी है और पानी पुनी सब है। ज्यादातर बच्चों के लिए रखे हैं खिलौने, क्योंकि बच्चे जीत करते हैं तो बिक्री हो ही जाता है, जैसे कि जीओ। हाँ, संडे है, छुट्टी का दिन है तो भीड़ भी ज्यादा है। तो पहुंच गए हम लोग मंदिर के गेट पर, चलो चलते हैं अंदर। चलो ये तो बजेगा नहीं अपन से, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो गीता यहाँ पर है, प्रसाद अरसाद ले लिया। जय कहाँ है? तो जय पता नहीं कहाँ पर है, ये तो बहुत पहले आ गई थी। और सामने है गर्जिया माता का मंदिर। आज बहुत भीड़ है, पूरा पुल। तो देखो कितनी भीड़ है संडे की वजह से, और पुल पूरा भरा हुआ है श्रद्धालुओं से, लाइन लगी हुई है यहाँ तक। अभी दिन के 1:30 बजने वाले हैं, 1:20 हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माँ गिरिजा देवी के यहीं से ही। फ्रेंड्स देखिए वहां से लाइन शुरू हो रही है यहाँ के लिए, इतनी लंबी लाइन है, कब नंबर आएगा भाई? अभी तो 2 बजने वाले हैं, तो आज नंबर आना मुश्किल ही लग रहा है शाम तक। बहुत भीड़ है, यहीं से दिखाता हूँ मैं आपको कितनी भीड़ हो रखी है। ये देखिए वहां से लाइन शुरू है। सारा और जिया तो नजर आ गए मुझे, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके। ये देखिए यहाँ पर है ये लोग। तो लाइन काफी लंबी है और धूप भी बहुत तेज हो रही है, तो वहाँ तो दर्शन करना मुश्किल है। तो हम लोग ऐसे बाहर से दर्शन करके निकलते हैं वापस, और यहाँ पर आ गई है गीता भी और मम्मी भी। तो फ्रेंड्स हम लोग वापस जा रहे हैं, लाइन लंबी होने के कारण अभी हम लोग यहाँ दर्शन नहीं करेंगे, फिर कभी आएंगे। बार बार से दर्शन कर लिए हैं, सारा और जिया तो आगे ही हैं, वो लोग कहीं नीचे हैं, वो आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से अभी थोड़ा आगे जाते हैं, छाया में बैठते हैं, काफी तेज धूप भी हो रही है। ये देखो ये लोग फुल एंजॉय करके आ रहे हैं, कहाँ चले गए थे? गुड। तो गिरिजा माता के मंदिर में तो गए नहीं, तो यहाँ पीछे एक मंदिर है, यहाँ पे प्रसाद चढ़ा देते हैं और टीका लगवा लेते हैं। यहाँ पर भी है एक मंदिर। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं वापस। तो सारा और जिया तो यहाँ से कुछ सामान खरीद रहे हैं, देखते हैं। ये रहे सारा और जिया। तो दोस्तों अभी भीड़ भी कम हो चुकी है, इस वक्त 3:00 वाले हैं, 3:15 करीबन हो रहे हैं। जितनी भी भीड़ है सब मंदिर के आसपास ही है, रास्ता भी थोड़ा ठीक हो गया, आते वक्त एकदम पाव रखने की जगह नहीं हो रही थी। ये लोग भी आ ही रहे हैं पीछे पीछे, थोड़ा सारा और जिया कर रहे हैं अपना खरीदारी। मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, धूप के साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही है यहाँ पर। अब तो गाड़ियाँ सीधे ही अंदर आने दे रहे हैं, हमारे टाइम पर तो गेट में ही रोक दिया था 1 किलोमीटर पीछे। और हाँ यहाँ पर नेटवर्क बहुत कम है, जियो का तो है नहीं, एयरटेल का है।
देखो छोटा बच्चा बीच में बैठा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह गाड़ियां आ रही हैं यहाँ दूर दूर से, एकदम न्यू गाड़ी है। तो फ्रेंड्स, ये सामने रोड है जो रामनगर से आती है रानीखेत को जाने के लिए, पहाड़ वाली रोड है सामने, और यहाँ पार्क की थी हमने गाड़ी में, तो सीधा आगे ही जा रहा था तो याद आ गया कि गाड़ी यहाँ पार्क कर रखी है और ट्रक के साइड में। तो अभी जिया और सारा को भी आने देते हैं, और यहाँ पे जय और गीता बैठ के इंतजार कर रहे हैं आने का, थक गए लोग। क्या ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है? तो ये लोग आराम से बैठे हैं यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, और जय का तो टाइम पास ही नहीं हो रहा, पत्थर उठा के फेंके जा रहा है, पत्थर उठा के फेंके जा रहा है, और गीता को जल्दी जल्दी हो रही है चलो घर। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से पहाड़ों का, ये देखिए। तो मम्मी भी आ गई है, और पीछे देखो दोनों ब्लॉगर भी आ रहे हैं। अभी शाम के 4:45 बज रहे हैं, और अब पहुंच रहे हम लोग गर्जिया से घर। आज वहाँ काफी भीड़ थी, काफी एकदम ज्यादा ही भीड़ था, तो संडे भी था तो श्रद्धालु लोग खूब आ रखे थे, तो माता जी के दर्शन तो हुए नहीं। तो वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, उसमें भी जाकर आ गए हम लोग, घूम फिर के भी आ गए हैं। पिछले साल तो पापा थे साथ में, इस बार तो पापा नहीं है साथ में, तो करीबन साल भर के बाद गए हम लोग। तो अब इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। यदि आपको यह ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद।